है वक्त, तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन एक बात याद रख, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुझे भी बदल दूंगा मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पैशन ऑफ स्टडी AKP पे। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, प्रतिशत के चैप्टर हमने बहुत सारे क्लियर कर लिए हैं, 4-5 चैप्टर क्लियर किए हैं और उसके आगे आज हम क्लियर करेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जिससे जो है हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। आइए देखते हैं, कल तक हम लोगों ने दो विमाओं पे आधारित सवाल किए थे, क्षेत्रफल और अन्य चीजें। आज हम तीन विमाओं पर आधारित सवाल करेंगे, आयतन जैसे निकालना है तो आयतन परिवर्तन कैसे निकालना है, आइए देखते हैं। इससे पहले हम आपको बताएं, आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल पैशन ऑफ स्टडी AKP को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आइए देखते हैं, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करते हैं, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन इस पे आधारित हमने कल सवाल किए थे, लेकिन वो दो विमाओं पे आधारित थे, ये तीन विमाओं पे आधारित, आयतन है तो तीन विमाओं पे आधारित है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले दो विमाएं हम लिखते हैं, उसके बाद में दो विमाओं का जो आंसर आ जाएगा तो उसे तीसरी विमा के साथ जोड़ देंगे। तो ये देखते हैं, व्यास में 10% की कमी की गई, तो माइनस कमी है तो -10, फिर -10, दो विमाएं हो गई, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगता है, फिर ऐसे, फिर -10 गुणे -10 बटे 100, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, -10 -10 माइनस का 20, ये कट गया तो इधर हो गया प्लस का एक, तो बचा कितना हो गया -19%, ठीक। अब ये दो विमाओं के साथ -19% आ गया है, इसमें तीसरी विमा जोड़ेंगे, तीसरी विमा में कितना आएगा, तीसरी विमा में पहले हम ये विमा लेंगे -19, फिर तीसरी विमा में यही -10 हो जाएगा, ठीक, प्लस -19 गुणे -10 बटे 100, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो -10 -19 -29, ये -1 प्लस हो जाएगा, तो ये 10 × 10 बटे 10 बचेगा, तो हो जाएगा 19/10, तो इसका आंसर पूरा हो जाएगा, यहां पे पॉइंट लगा देंगे तो 30.9, नहीं यहां पे पॉइंट लगा देंगे अगर हम, तो -1 प्लस हो गया तो बचा कितना, -29 +1.9 बराबर 27.1, इतने प्रतिशत आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगर आप दोस्तों वीडियो को समझ गए हैं और अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को इसका अच्छे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अब अगला देखिए दोस्तों, अगला बताते, अब देखिए दोस्तों अगला, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका आयतन देखेंगे तो कमी हुई है, प्रतिशत परिवर्तन इसमें भी ज्ञात करेंगे, परिवर्तन यानी प्रतिशत, परसेंटेज चेंज, तो माइनस का वृद्धि हुई है तो 10 प्लस का हो जाएगा
फिर प्लस का 10, फिर प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, ये कट गया। तो इतना अच्छा, 10 10 20 और एक ये 21 21%। अब तीसरी बीमा के साथ जब इसको ज्ञात करेंगे तो तीसरी बीमा हो जाएगी 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटे 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये जीरो ठीक। अब ये पॉइंट यहां सटेगा, यहां पे पॉइंट लग जाएगा, जीरो कटा तो पॉइंट लग गया। ठीक है दोस्तों, तो 21 और 10 31 और +2.1 = 31 + 2.1 = 33.1 33.1%। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य जगह शेयर करते रहिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको एक से एक अच्छे अच्छे सवाल बताते रहे। और दोस्तों, हम आपको लेखपाल या फिर जेई और या फिर अन्य सारे गवर्नमेंट एग्जाम के प्रैक्टिस सेट भी इस पे कराएंगे। तो आप दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए। अगला देखिए सवाल आपको और बताते हैं हम। देखिए दोस्तों अगला, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? दो बीमा पहले लेते हैं, उसके बाद में तीसरी बीमा लेंगे। निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई -10, फिर चौड़ाई 10 20% घटाई गई -20, प्लस 10 गुणे 20 बटे 100। ठीक, 20 एकम 20 पंजे 5 कम 5 दूनी, ये माइनस का था, ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस 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 का 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का माइनस प्लस हो गया तो हो गया 2 एकम 2, तो बचा कितना? ये 28, माइनस का 28। अब माइनस 28 को हम अब तीसरी बीमा के साथ जोड़ेंगे, तो -28 और फिर 5% बढ़ाई गई है तो +5, फिर लाइन खींच लिया ऐसे। ठीक, तो माइनस का 28 प्लस का 5 फिर माइनस बटे 100। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? ये यहां पे इंटू का है भाई, ठीक है, गुणे का निशान है। 5 कम 5 5 दूनी 10 और 0, तो -28 में से 5 निकल जाएगा क्योंकि माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है, तो -28 से 5 निकल गया तो बचा -23। और ये -28 बटे 20, तो इसको काट देंगे तो यहां पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और 2 से इसको काट देंगे तो माइनस का हो जाएगा 1.4, तो 1 माइनस का 1.4 और माइनस का 2.3, माइनस का 23 आपस में ऐड कर देंगे तो माइनस का 23 माइनस का 1.4 बराबर कितना हो जाएगा भाइयों? 24.4 24.4%। तो होगा ये आंसर, समझ गया आप भाई। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।